नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी हॉरर स्टोरी बताने जा रहा हूं जो बहुत पुरानी होने के साथ साथ बहुत डरावनी भी है। यकीन मानिए, यह कहानी पढ़कर आप हैरान हो सकते हैं। यह कहानी एक डोल यानी गुड़िया का है जिसका नाम एनेबल डोल है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है सन 1918 से। इसी साल एक अमेरिका राइटर जो बच्चों की कहानियाँ और कॉमिक्स लिखते थे, उन्होंने सबसे पहले इस डोल का जिक्र अपनी किताब रगड़ियन में किया था। इस किताब में उन्होंने अपने साथ हुई एक सच्ची घटना के बारे में बताया है। वह लिखते हैं कि एक बार वह अपने घर के बैकयार्ड में टहल रहे थे, तभी उनको यह डोल पड़ी हुई मिली। उन्होंने कभी भी ऐसी डोल अपने घर के आसपास नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने अपने पड़ोसियों से पूछा कि ये डोल उनकी तो नहीं है, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और डोल को अपने बेटे को दे दिया। वह डोल को देखकर बहुत खुश थी। वह उसके साथ हर रोज खेलने लगी। खेलते खेलते उसको डोल के साथ इतना लगाव हो गया कि वह डोल को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। वह घर में अकेले बैठी उसके साथ ज़्यादा समय बिताने लगी और बातें करने लगी। उसके पिता को उसकी चिंता होती, लेकिन वो बच्ची समझकर उसे नज़रअंदाज कर देते। लेकिन जब वह 13 साल की हुई तब वह किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गई। इलाज के लिए उसे वैक्सीन दी गई, लेकिन उसका उल्टा प्रभाव हुआ जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन अजीब की बात यह थी कि जिस तरह डोल रहस्यमयी तरीके से उनके घर में आई थी, ठीक उसी प्रकार वह गायब हो गई। यह कहानी लोगों को बहुत प्रसिद्ध हो गई। इसके बाद वह डोल कई सालों तक कहीं भी नज़र नहीं आई। धीरे धीरे लोग इसे भूल गए, लेकिन 1970 में यह डोल हॉबी स्टोर नाम की एक दुकान में नज़र आई। एक दिन किसी महिला को वह डोल पसंद आ गई और उसने यह डोल खरीद ली। उस महिला को यह बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यह एक भूतिया डोल है, लेकिन उसने यह डोल अपनी बेटी डोना को उसके जन्मदिन पर देने के लिए खरीदा था। डोना उस समय नर्सिंग में पढ़ाई कर रही थी और हॉस्टल में अपने दो सहेलियों के साथ रहती थी। वह इस गिफ्ट को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन इसके साथ साथ वह हैरान भी थी क्योंकि उसकी डोल के साथ खेलने की उम्र भी बीत चुकी थी। लेकिन उसको यह तोहफा बहुत पसंद आया। उसने डोल को अपने कमरे में सजा कर रख दिया, लेकिन उसकी दोनों सहेलियों को यह डोल बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनमें से एक सहेली जिसका नाम लू था, उसको यह डोल शुरू से ही अजीब लग रही थी और उसने डोना को यह डोल अपने कमरे में रखने के लिए मना भी किया था, लेकिन डोना ने उसकी बात नहीं मानी। इस डोल के कमरे में आने के बाद अजीब हरकत होना शुरू हो गई। डोना ने यह नोटिस किया कि यह अपनी जगह से बदल लेती है। डोना ने यह कई दिनों तक नोटिस किया और अपनी दोनों सहेलियों को इसके बारे में बताया। डोना की सहेलियों ने उसे सलाह दी कि तुम इस डोल को कमरे से निकाल दो क्योंकि यह एक श्रापित डोल है, लेकिन डोना ने उनकी बात नहीं मानी क्योंकि वह भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती थी। समय बीता गया और लगभग एक महीने बाद उन्हें अपने कमरे में एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर बच्चे के लिखावट में हेल्प मी लिखा हुआ था। उन्होंने ऐसे टुकड़े कई बार अपने कमरे से मिले। एक दिन जब तीन सहेलियां अपने कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा कि डोल छाती पर और कमर पर लाल रंग का निशान पड़ गया है, लेकिन क्योंकि वह नर्सरी कर रही थी तो उन्होंने इसका पता लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगाया। यह रंग नहीं, खून है। इस दौरान डोना की सहेलियां ने
उसे बाहर निकालने को कहा, लेकिन डोना ने उनकी बात नहीं मानी क्योंकि डोना इस डॉल से अजीब तरह से लगाव हो गया था। एक दिन लू घर में अकेली थी और डोना अपनी दूसरी सहेली के साथ कई बार गई थी। तभी लू को डोना के चीखने की आवाज़ आई। वह यह भूल गई थी कि डोना तो घर पे नहीं है, और जब वह कमरे में गई तो देखा कि उस कमरे में उस डॉल के अलावा कोई नहीं है। इसके बाद कमरे से लू के चीखने की भी आवाज़ आई। इत्तेफाक से उस समय डोना और उसकी सहेलियां लौट कर आ चुकी थी। उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो लू बेहोश पड़ी थी और शरीर पर गहरे चोट के निशान थे। डोना और उसकी सहेलियां ने लू को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। दो दिन बाद लू को होश आया और उसने बताया कि उस पर हमला उसके डॉल ने किया था। यह बात सुनकर वह हैरान रह गई। डोना तुरंत ही चर्च जाकर और फादर से उस घटना के बारे में बताया। फादर ने उनकी बात सुनकर उनको अपने सीनियर फादर के पास भेज दिया। उन्होंने कहा कि इस डॉल में बुरी आत्मा का साथ है और यह बात उनके संभालने योग्य नहीं है, इसलिए उन्होंने यह खबर पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट पति पत्नी को दे दी। यह दोनों डोना के हॉस्टल पहुंच गए और डॉल के साथ एक हफ्ता बिताया। एक हफ्ता बिताने के बाद उन्होंने बताया कि इस डॉल के अंदर एक शक्तिशाली आत्मा का वास है और ये आत्मा डॉल से निकलकर इंसानी शरीर में जाना चाहती है। इसने डोना का शरीर चुना है। उन्होंने बताया कि इस डॉल को डोना से जल्दी ही से दूर करना होगा। यह सुनकर डोना बहुत घबरा गई और डोना को उनके साथ ले जाने के लिए हाँ कर दिया। यह पति पत्नी इस डॉल को कार में घर ले जाने लगे और रास्ते में कार में काम करना बंद कर दिया, जिससे कार दीवार में टकरा गई। खुशकिस्मत से यह रही कि उनको ज़्यादा चोट नहीं लगी। कार के बेकाबू होने के पीछे डॉल का ही हाथ था। पति पत्नी ने डॉल को तंत्र मंत्र की शक्ति से अपने वश में किया और एक शीशेदार बॉक्स में बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने इस बॉक्स को अपने ही एक एक्चुअल मिशन में रख दिया। आज भी इसे इसी मसूह में देख सकते हैं और साफ साफ बॉक्स पर एक वार्निंग भी लिखी है कि बॉक्स को दूर से ही देखें और हाथ ना लगाएं। दोस्तों, आपको यह अनेबो डॉल की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे